सो रवि फलौरिया जी ने अपनी रचना पेश की, बहुत ही इन्हां दे क्रांतिकारी विचार ने और जिथे ये बहुत वधिया बुलारे ने उहदे नाल नाल ये सारिया जिहड़ियां रचनावां ने लिखते भी आप ही ने। इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है समाज नूं इक सेध देण दे विच और इन्हां ने जिहड़ियां अपनियां रचनावां लिखियां ने उन्हां रचनावां दी इक बुक भी बनाई है ते अगर किसे नूं ओह लोड़ होवे ते बाहर ओह कहिंदे लगी हुई है 30 रुपए की बुक है तो वह बुक भी तुसीं परचेज कर सकते हो। तो हुण मैं बेनती करांगा साडे अज दे मुख बुलारे मानयोग सुधीर राज सिंह जी, इन्हां ने टीम 20 YouTube दे उपर एक चैनल चलाया होया है और उस चैनल दे थ्रू धम का प्रचार करते हैं, बाबा साहब जी की जी विचारधारा है उसका प्रचार करते हैं और पूरे देश के जोड़ा है अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और धम के उपर इन्हों की बहुत ज़्यादा रिसर्च है जिस कारण जे वो साडे बहुत हरमन प्यारे जोड़े बुलारे बन गए हैं। तो मैं उन्होंने बेनती कराँगा कि वह मंच से आन और जोरदार ताड़िया के नाल उन्हों का स्वागत किया जाए कि वो आपके जोड़े विचार ने आपके सामने पेश करे मानयोग सुधीर राज सिंह जी। और इन्होंने ये प्रोग्राम तो बाद एक होर प्रोग्राम है उस पर भी जाना है, इस करके ना जो है टाइम जो जल्दी दिता जा रहा है। हेलो 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 बात आए, मैंने जरा शांत होकर दिखाया, बिल्कुल हॉल में सन्नाटा चाहिए, बिल्कुल माताएं बहनें बिल्कुल शांत होकर दिखाएं, चुप होकर दिखाएं, हॉल में सन्नाटा है, आवाज गूंज रही है, कोई फायदा नहीं होगा, सब बिल्कुल चुप हो जाएं। सभी माताएं बहनें जो भी बच्ची हैं सब एकदम चुप हो जाएं, इधर सारे भाई चुप हो जाएं, हॉल में बिल्कुल सन्नाटा चाहिए, एक भी आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। हेलो सॉरी, एक हुण मैं बीबियां भैणां नूं बेनती करदा, वक्त जिहड़ा वक्त आ ना एक एक मिनट तुहाडा, इह जिहड़ा अज वक्त चले गया वापस दुबारा मुड़ के नहीं आउणा और इह वी इतिहास दे पन्नियां च दर्ज हो जाणा कि तुसीं इत्थों कोई सिख ही नहीं गए, इत्थों गुआ के गए। सो मैं बेनती करदा कि गल्लां करन नूं तुहाडे कोल पूरा टाइम पिया, पर जिहड़ा आह वक्त आ इस वक्त नूं संभो, साडी हथ जोड़ के बेनती है जी। एक बार जरा चैक करेंगे हम कि पूरा शांत हुआ नहीं हुआ है, सब शांत। बिल्कुल शांत हो जाइए। अगर आप धम्म को बुद्ध को समझना चाहते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाइए, मैं ज्यादा नहीं बोलता मगर जो बोलूंगा वो आपके बहुत काम आएगा। पिछली बार मैं यहां आया था धम्म को बताने के लिए, किसी को याद है मैंने कुछ बताया था? एक आध हाथ उठाएं अगर किसी को याद हो, पीछे से आवाज आ रही है, शांत हो जाएं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो पीछे बताई हुई बात को याद रखता हो। हाँ मैं समझ गया, आवाज पीछे से अभी भी गूंज रही है, जब तक आवाज गूंजती रहेगी आप सुन नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं यहां आने का, फिर तो आप भंडारा खाओ और जाओ, कोई फायदा नहीं यहां आने का। पीछे से आवाज क्यों आ रही है ये, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, सुन नहीं पाओगे आप। आज अशोक धम्म विजय दशमी है, आप आए हो यहां अशोक धम्म विजय दशमी मनाने के लिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि अशोक विजय धम्म दशमी है क्या तो उसे आप बता सको। अगर उसे आप नहीं बता पाओगे तो आपके यहां आने का फायदा इतना है कि आप यहां सबसे मिले और रोटी खाई और चले गए, फिर यहां का फायदा नहीं होगा आपको। और ये जो बोर्डों पर लिखा हुआ है सामान, अगर आप इसे पढ़ भी लोगे तो आप इसे समझ नहीं पाओगे। बेटा जरा बैठ जा, बैठ जा, जरा सुन ले, ज्यादा नहीं सुने, कोई फायदा नहीं यहां आने का। वैसे मैं दिल्ली से आया हूं और अब मैंने सभाओं में जाना बंद कर दिया है क्योंकि सभाओं में फायदा नहीं होता, जो माताएं बहनें बच्चे या जो लोग आते हैं उनमें से बहुत कम लोग सीख के जाते हैं और बताने वाले का बहुत आने जाने का समय खर्च होता है और आपका 1.5 लाख रुपया इस कार्यक्रम में खर्च हुआ है और आप यहाँ 1.5 लाख आदमी नहीं है, इसका मतलब एक आदमी के ऊपर 100-150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये खर्च हो रहा है। तो जब 400-500 रुपये एक आदमी के पीछे खर्च हो रहा है तो सीखो किसके लिए यहाँ आए हैं। गल्ला और बातें तो हम बाहर भी बहुत कर लेते हैं, अब तो फ़ोन फ्री है, कर लेंगे, उस पर कोई बात नहीं है।
सीखो, क्योंकि आज आप सबको नागपुर होना चाहिए था। और मैं नागपुर जाता हूं, मगर पिछले साल भी यहां आया और आज भी यहां नागपुर में आज दसियों लाख आदमी वहां आते हैं और रात को जमीन पर सोते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं। मगर चूंकि पंजाब बहुत मुख्य जगह है और यहां के दो बुलारे हैं, तो मैंने यहां के अगर 20 बुलारे भी होंगे तो मैं आऊंगा। उसके दो कारण हैं, एक तो पंजाब के लोग बहुत सच्चे और अच्छे हैं, अगर सही बात उन तक पहुंच जाए तो पंजाब के क्रांति को रोकने का कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो पंजाब को रोक सके। मगर सीधी और सच्ची बात पहुंचने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, और सुनने का साधन हमने अपना जो एक टीम 22 चैनल है, आप उसको लोड कर लेना, उसमें 203 वीडियो आ चुकी हैं। इस साल उसमें 500 वीडियो आएंगी और 3000 वीडियो आएंगी। धम्मों को अगर सीखना चाहोगे पूरा तो 3000 से ज़्यादा वीडियो हैं, और अगर सीखना चाहो तो इतना छोटा है कि मैं आपको 5 मिनट में धम्म सिखा दूंगा आज पूरा, अगर आप शांति रखोगे तो। और आपके काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का, और ख़ास तौर से माई बहनों के काम का तो है, इसलिए मैं इधर खड़ा हुआ हूँ ताकि वो आराम से सुने और बोले ना, क्योंकि उनको लगता है कि जितने बुलारे आते हैं वो कुछ काम की बात तो बता के गए नहीं, इसलिए वो अपनी बातें करती रहती हैं। ये जो बुद्ध है, बुद्ध से भी एक बड़ा चीज़ है। अगर कोई ये कहे कि मैं बुद्ध धर्म को मानता हूँ और बुद्ध सबसे बड़े हैं, तो ऐसे 27 बुद्ध पहले हुए हैं, ये 28वें हैं, अभी बहुत सारे छोटे बड़े बुद्ध और आएंगे। और बुद्ध से भी जो बड़ा है वो है जो बुद्ध ने प्राप्त किया, यानी कि धम्म, वो बुद्ध से भी बड़ा है। जब तक आदमी बच्चा और सिद्धार्थ रहा, सिद्धार्थ नाम का रहा, जब तक उसको धम्म का पता नहीं चला, और जैसे ही धम्म का पता चला वैसे ही वो बुद्ध हो गया और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया। हालांकि तब अक्षर और किताब नहीं थे, ना स्कूल थे ना यूनिवर्सिटी थी, मगर बुद्ध सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ आज भी व्यक्ति है दुनिया में, उससे ज़्यादा ज्ञानवान कोई भी नहीं है, इसलिए उसको सम्यक सम बोधि बोलते हैं। सम्यक सम माने बिल्कुल सही और पूरा, और जो जानकार है। अब वो जानकारी क्या है क्या नहीं है वो सब मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। आपने देखा होगा कि ये जो बुद्ध का जितना भी फोटो या स्टैचू बनाया है वो ऐसे बैठा रहता है पालती मार के पेड़ के नीचे, बस ऐसा बुद्ध का फोटो आता है आंख बंद करके जैसा दिखाई दे रहा है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये आंख बंद करके बैठा हुआ पालती मार के पेड़ के नीचे कर क्या रहा है भाई। पेड़ के नीचे कोई ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई घंटाल नहीं, कोई मास्टर नहीं, और फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा जानकार कैसे हो गया, तो पेड़ के नीचे वो कर क्या रहा है। कभी आप सोचा भी नहीं आपने, और कोई आपसे पूछेगा तो आप बता भी नहीं पाओगे, बेशक आप धम्मा फेडरेशन के यहाँ आने वाले लोग हैं। तो यहाँ आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है ना, आवाज़ साफ आ रही है, हाँ, शांति बनाए रखना। ये जो बुद्ध नाम का जो व्यक्ति, यानी सिद्धार्थ नाम का जो व्यक्ति जब पेड़ के नीचे बैठा, उससे पहले वो जगह 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 उसने 6 साल धक्के खाए, और धक्के खाने के बाद में फिर उसने कहा कि मैं दुख को दूर करने आया था, दुख दूर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी मेहनत खुद की। अब वो पेड़ के नीचे बैठ के क्या करता है, आप सब लोग एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लें सब लोग, सब लोग आंखें बंद कर लें जो भी बैठे मेरी तरफ ना देखें, और आंखें बंद करके अपने हाथ की पहली उंगली के नाखून पे ध्यान लगाएं। आंख बंद कर लें बहन जी सारे, पहली आंख की उंगली जो आपकी है उस पे ध्यान लगाएं, और बहुत ध्यान से देखें कि जो नाखून हैं वो वहां क्या हरकत हो रही है। सभी आंख बंद कर लें और नाखून पे ध्यान लगाएं। जब आप अपने नाखून पे ध्यान लगाएंगे, अब नाखून से ध्यान से आप एक साथ अपने पैर के नाखून पे ध्यान ले जाएं, हाथ का नाखून का ध्यान छोड़ दें, तो अब आप पैर को देख रहे हैं, और अब आप अपने सर पे देखें, जो आपका सर है ऊपर देखें कि ऊपर क्या हो रहा है। अब आंखें खोल लें। 3 जगह मैंने आपको बताया आपकी आंखें बंद थी, मगर आप देख रहे हो, आपने नाखून देखा, फिर आपने पैर का नाखून देखा, फिर आपने सर देखा। ये 24 घंटे आप काम करते हो, जब भी आपका कोई दर्द होता है या कुछ होता है तो आपको महसूस हो जाता है, जैसे आपको भूख लगती है तो आपको पता चलता है कि पेट में कुछ हो रहा है, तब भूख लगती है। सब जानते हैं भूख का कोई टेलीफोन नहीं आता कहीं से,
कोई चिट्ठी नहीं आती कि भूख लगी है, या सुबह को अगर आपको टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट में जो पेट में दर्द होता है तो कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई कहता नहीं है आपको कि आपको टॉयलेट जाना है, मगर अंदर कुछ होता है तो आपको पता चलता है कि ये जो खबर है, ये जो वेदना है, जो सेंसेशन है, जो पेट में हलचल हो रही है, ये हमें टॉयलेट में जाना है। जब तक हम अपना मल नहीं निकाल देंगे हम तब तक आराम से नहीं आएंगे। ये बात सब जानते हैं, सब जानते हैं, दुनिया में सारे लोग। जो जितनी भी बुराई शरीर में आती हैं, जब बुराई शरीर में आती हैं तो वो ऐसे ही आती हैं और जाती भी ऐसे हैं, अच्छाई शरीर के अंदर रहती हैं। अब बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, वो ये कहता है कि अगर सामने वाले भाई साहब ने मेरे को गाली दी तो वो गाली मेरे को अंदर कैसे आ गई, उन्होंने मुंह से मुझे कुछ कहा, गाली बकी, और गाली मेरे शरीर के अंदर घुस कैसे गई, हवा से जो वाइब्रेशन आई है, आवाज मेरे कानों तक पहुंची है तो पहुंची है, मगर गाली घुस कैसे गई अंदर और मेरा मुंह कैसे बिगड़ गया, या मैंने प्रतिक्रिया में उसको पलट के गाली क्यों दी या लड़ाई क्यों की। इसको वो समझ रहा है पेड़ के नीचे, वो देखता है कि गाली का असर हो कैसे रहा है शरीर के अंदर और गाली कैसे अपना काम कर रही है और वो जाती कहाँ है शरीर के अंदर। और यहाँ एक बहन जी हैं, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत सुंदर बोल रहे हैं, तो ये प्रसन्नता जो मुझे आई अच्छे बोलने की, या भाई साहब ने कहा कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, या आपने कहा कि बहुत बढ़िया है, आपने मेरी तारीफ करी, तो ये जो प्रसन्नता है ये मेरे शरीर में घुस कैसे रही है। सभी को लगता है ना, जब कोई प्रसन्नता बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है और जब कोई गाली बकता है तो बड़ा दुख लगता है। आप जीवन भर ये काम करते हो मगर कभी नहीं जानते इस बात को कि ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है। आपने कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, सिर्फ शब्द आए, या आपने टेढ़ा सा मुंह भी बना लिया, जैसे कहते ना देखो ये तो टेढ़ा मुंह बना के बैठा है या ये टेढ़ी मुंह बना के बैठी है, तो हमारा मूड खराब हो गया, तो हो क्यों गया भाई, टेढ़ा मुंह है तो होता रहे, मगर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा, कह रहे जी वो तो टुन होकर बैठा है, गुस्से में बैठा है और शरीर सारा खराब हो गया। इस बात का वो अध्ययन कर रहा है कि ये शरीर पे काम कैसे करता है। ये 2600 साल पुराना है मामला, और वो ये देखता है कि अरे ये जो शरीर है सारा ये कैसे काम करता है। जैसे बाबा साहब ने लिखा है, विचार परिवर्तन ही सब परिवर्तन का मूल है। पिछली बार पंजाबी नहीं आती थी, अभी सीख लिए मैंने आपके लिए। तो ये जो लिखा हुआ है वो कहता है पहले सेंटेंस में कि जैसा मन होगा वैसा शरीर होगा, यानी कि मन जो काम करता है, ये दिमाग की बात नहीं चल रही है, मन जो करता है, मन बताता है कि खुश होना या नहीं होना है। बाहर से जो चीज आती है वो मन पहले लेता है, फिर उसको बताता है कि वो अच्छा है या खराब है, थोड़ा सा गुड़ है, मगर पूरा धम्म अगर सीखना है आपने तो मनुष्य के लिए बड़ा आसान है। ये जो भिक्खु बैठे हुए हैं इनमें और आपके धम्म सीखने में अंतर है। कोई आपसे कहे कि आप बुद्ध को मानते हैं, आपने पीला कपड़ा नहीं पहना, तो वो भिक्षुओं के लिए है, टीचर के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ धम्म में 5 बातें हैं। 5 बातें आपको गुलामी से आज़ादी दे देंगी, 5 बातें आपको राजा बना देंगी, 5 बातें आपको सिख बना देंगी। ये 5 बातें आपने अपनी सीखनी है। जो 5 बातें सीख लेता है वही सिख होता है, जो 5 बातें नहीं सीखता वो मूर्ख होता है, जो सिख नहीं है वो मूर्ख है। आप तय कर सकते हैं कि आप सिख हैं या आप मूर्ख हैं, क्योंकि पाली के अंदर सीखने वाले को सिख ही बोलते हैं, ये पुराना शब्द है आपका। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात मैं सिर्फ बताऊंगा, मगर एक बात आपको पूरी तरह से विस्तारित बताऊंगा जिससे आपको धम्म समझ में आ जाएगा। हत्या नहीं करनी है किसी भी तरह की। 3 तरह की हत्याएं होती हैं, एक होती है मानसिक हत्या, एक होती है वाचिक हत्या और एक होती है कायिक हत्या। हमें जो समझाया जाता है वो ये है कि हम जानवर को ना मारें या मनुष्य को ना मारें, ये सबसे छोटी हत्या होती है। मगर अगर हमारा बच्चा हमसे ये पूछता है कि ये बुद्ध क्या है, ये धम्म क्या है, या ये गुरु नानक क्या है, या चाचा ने क्या कहा, या इस बात का जवाब दो, या ये भारत में कब हुआ, और हम अपने बच्चे को कहते चुप हो जा, बैठ जा, तू बहुत ज़्यादा बोलता है, बड़ा एडवांस है, बहुत फालतू बोलता है, तो ये उसकी मन की हत्या हो गई। अगर देश में आपको कोई रोकने से, बोलने से रोक रहा है, अगर देश में आपको कोई बात नहीं करने दे रहा है, अपनी बात नहीं करने दे रहा है, या दफ्तर में कोई अधिकारी आपको अपनी बात नहीं कहने देता, या मोहल्ले में कोई आदमी आपको दबाता है, अपनी बात नहीं कहने देता, या कहीं आप बस में जा रहे हैं और कोई आपको सीट पर बैठ के आपकी बात नहीं सुनता या दबा रहा है या बात को बदल रहा है, इसको बोलते हैं मानसिक हत्या, यानी मन की हत्या।
और मन की हत्या सबसे खतरनाक होती है, जिसका मन मार दोगे उसकी सब चीज मर जाएगी। इसलिए कहते हैं जी अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा मन मर गया या मेरा मन मार दिया। इसलिए ये चेक कर लो कि आपका मन जिंदा है या आपका मन मर गया है। अगर मन मर जाता है तो उसके बाद में बोलने की हत्या होती है और फिर होती है उसके शरीर की हत्या। भारत में किसी भी आदमी के पैर में बेड़ी नहीं बांधी है। आप देख लो जितने भी गुलाम हैं, ना रस्सी है ना बेड़ी है, ना उनको घर में ताले लगा के रखा गया है, ना वो जेल में है, मगर 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक उनको मन को मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? अरे तू ये काम कर नहीं सकता, तू पढ़ा लिखा नहीं है, ये कपड़े तूने कैसे पहने हैं, तेरा रंग कैसा है, तू बाल कैसे करके आया है, तू बोलता कैसे है, तेरी भाषा ठीक नहीं है, तू चपड़ चपड़ करके खाता है, ये बैठी कैसे है, इसको तो एक अक्षर नहीं आता, इसको इतनी बार सिखाया ये तो बोलती नहीं है, ये तो गाना नहीं गा सकती। 24 घंटे आपके मन को मारने का काम चलता रहता है। इससे कैसे जीतोगे? क्योंकि जीतना भी तो है, खाली समस्या थोड़ी बतानी है। तो इसका तरीका यह है कि इधर से आया और इधर चला गया, यहां तक नहीं आने देना है, यहां तक नहीं आने देना है। अगर यहां तक आने दोगे तो आप मर जाओगे, और यहां से बाहर बाहर निकाल दिया तो लौट के उसी पे वार करता है, वो खुद मर जाता है। ये इसकी खासियत है। आपको कोई कहे अरे चूड़े चमार कहां से आ गए, सुनना ही नहीं है। वैसे तो ये चूड़े चमार चीवर वाले लोग हैं, मगर उसे समझाना भी नहीं है, जवाब भी नहीं देना है, घूम के उसके पास जाएंगे वो खुद ही खत्म हो जाएगा। आपको कोई ये कहे कि अरे ये काम तेरे पे नहीं आता, आप अपना काम करते रहो, उसकी तरफ देखो मत, वो खुद मर जाएगा। आपको कोई कहे अपमानिक शब्द बोले, तू तड़ा करके बोले, उसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो शब्द उसी के पास रह जाएगा, आपके पास आएगा नहीं। ये सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। अगर आपने उस पर प्रतिक्रिया कर दी, या आपने उसमें गुस्से में आ गए, या आपने उसको जवाब दे दिया, या आपने मुंह टेढ़ा कर दिया, या आप रो पड़े, या आपने कुछ ऐसी हरकत की, फिर वो आपके पास आ जाएगा, फिर वो जीत जाएगा। इसलिए मानसिक हत्या का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हत्या करता है उसकी बात को इग्नोर कर दें, उपेक्षित करते हैं, समता में आ जाएं, देखें ना, तो उसी के ऊपर आ जाता है और अंत में उसकी खुद हत्या हो जाती है। ये प्राकृतिक नियम है। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि। अदिन्न दाना का मतलब है बिना दिए कोई वस्तु नहीं लेनी है। यानी कि जिसने कोई वस्तु कहीं भी पड़ी है और आपको चाहिए, आप उसे मांग लीजिए। अगर आप उसको नहीं मांगेंगे, नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि आप उस वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते जीवन में, वो हमेशा रहेगी। कैसे? जैसे मोबाइल है और मोबाइल कहीं रखा हुआ है और आपका मन मोबाइल पर कर गया, या अखबार में लपेट के, कागज में लपेट के आपके पास आ गया और आप मोबाइल को उठा लाए या अचानक आ गया, तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि मोबाइल आपके साथ आ गया, तीन बातें होंगी। पहली तो ये होगी कि भाई मोबाइल बहुत अच्छा से रख लें, दूसरी ये होगी कि उसको फ़ोन कर दें, लौटा दें, और तीसरा ये होगा कि भाई कभी रखें या ना रखें। अगर आपने उसको फ़ोन करके कह दिया कि तेरा मोबाइल मेरे पास आ गया है, तो आपको कुछ नहीं होगा, आपका जो दिल की धड़कन है वो ठीक रहेगी, आप शांत रहोगे। और कहीं आपने ये सोच लिया कि मोबाइल इसको लेना है, तो फिर जैसे ही ये शुरू होगा वैसे ही आपका मन के अंदर आपका या तो हार्ट बीट बढ़ेगी, धड़कन बढ़ेगी या घटेगी, या तो ब्लड प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। आपको डर रहेगा कि इस मोबाइल का किसी को पता ना चल जाए। आपका जैसे आप वहां से जाओगे, हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, घर में आपकी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि आप चोरी के लाए हो, आपकी पत्नी और आपका पति भी और आपके बच्चे भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि आप किसी का सामान लेके आए, तो आपकी इज्जत चली जाएगी, आपकी खुद की पत्नी और आपके खुद के निगाह के अंदर। आप उसको इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चोरी का है, टूटे फटे फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, और उसका हर समय आपको डर रहेगा। उस व्यक्ति के सामने आप जा नहीं सकते जिसका वो मोबाइल है। तो ये मानसिक बीमारी बनाता है जो ब्लड प्रेशर में आती है, और ब्लड प्रेशर आपके शरीर को मारता है और कम करता है। तीसरा जो है झूठ बोलने का है, और चौथा वाला जो है वो है व्यभिचार ना करने का। इन दोनों का ठीक है, मगर पंजाब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सुरा मेरे मज्जे पमादे ठाना वेरमणि। यानी शराब और नशीला पदार्थ कभी नहीं छूंगा, इसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर शराब के लिए उस समय 2600 साल पहले मना करता है, तो उसका कारण समझिए। उस समय शराब की बात क्यों आई और कैसे आई? भारत के जो हम लोग हैं, खासतौर से ये नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, वो इतने जबरदस्त और इतने ईमानदार और इतने सच्चे और इतने भोले हैं, उनमें 5 बुराई नहीं थी। यहाँ पेड़ पौधे बहुत थे, पानी बहुत था, जानवर बहुत थे,
और यहाँ के लोग मेहनती बहुत थे, इसलिए ना तो वो चोरी करते थे, शराब यहाँ थी ही नहीं, क्योंकि सुरा शब्द बाहर से आया है, सुरा बाहर से आई है। व्यभिचार नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अपनी पत्नी के साथ आदमी बहुत खुश रहता था, व्यभिचार बाहर से लोग लेके आए। यहाँ झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए झूठ कोई नहीं बोलता था यहाँ। और यहाँ किसी भी हालत में कोई किसी की हत्या भी नहीं करता था, हत्या कोई क्यों करेगा जब खाने के लिए बहुत है, पीने के लिए बहुत है, सामान इतना है कि फेंक रहा है, यानी जंगल में जो फल फ्रूट है वो इतना है कि वो फेंकता है, तो कोई चोरी क्यों करेगा, कोई हत्या क्यों करेगा। बाहर से जब लोग आए थे तो वो पांचों गुण के साथ आए, वो अपने यहाँ कबीलों में औरतों को उठा के ले जाते थे, वो चोरियाँ करते थे, वो झूठ बोलते थे, वो नशा करते थे, वो जुआ खेलते थे, वो शराब पीते थे, और ये यरूशलम की बात है। और 103 वहाँ मूर्तियों की पूजा भी होती थी। हमारे भारत में कोई मूर्ति का पूजा का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ के लोगों को जब उन्होंने गुलाम बनाया तो वो लोग गुलाम नहीं बने, तो सीधे सच्चे लोग थे, वो कोई पाप की बात नहीं थी। तो गुलाम बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पांचों बुराई उनको दी, पांचों बुराई उनको दी, उनको शराब पिलानी सिखाई, सुरा पिलानी सिखाई, उनको झूठ बोलना सिखाया, उनको व्यभिचार सिखाया, उनको हत्या करनी सिखाई, और उनको जो सुरा मेर मज्जा और जो अदिन्न दाना है वो सारी चीज़ें उनको सिखाई। ये पांच चीज़ों जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर आती हैं वो कमज़ोर हो जाता है। एक व्यक्ति मुझे पूरे यहाँ बैठे हुए बता दो जो ये कहता हो कि मैंने अपने बच्चे को शराब पिलाई जब वो पैदा हुआ, दूध की जगह शहद की जगह, कोई हाथ खड़ा करके बताए जिसने अपने बच्चे को पैदा होते ही शहद की जगह शराब पिलाई हो। पूरे भारत में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मैंने अपने बच्चे को शराब पिलाई। एक व्यक्ति मुझे दिखा दो जो शराब खरीद के बड़े फक्र से ये कहता हो कि आज मैंने शराब खरीद के लाया। शराब जितने भी लोग हैं चोरी छुपे पीते हैं, दुबका के खरीदते हैं, किसी को बताते नहीं। शराबियों में जरूर वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे को फकरी बात करते हैं, मगर किसी की पत्नी बता दो जो ये कहती हो कि शराब बहुत अच्छा है, या किसी का पति पीने के बाद बता दो जो सुबह उठ के ये कहता हो कि शराब बहुत अच्छी चीज है। ये बात तय है कि शराब और नशीले पदार्थ अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे होते तो हम अपने बच्चे को पैदा होते ही पिलाते, तो हमारी कल्चर में भी नहीं है, हमारे यहाँ ये है भी नहीं। शराब का या नशीले पदार्थ का कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें परिवार का एक भी व्यक्ति समर्थन करता हो। और बुद्ध कहता है कि सुरा मेरे मज्जे पमादि ठाना वीर मणि, इनसे नहीं लेना, यानी कि उस समय तक उन्होंने शराब पिलाना सिखा दिया, नशीला पदार्थ सिखा दिया, जो आज भी बराबर बराबर हर दुकान में हर जगह मिलती है। ये जानते हुए भी कि भारत के लोग मर जाएंगे फिर भी वो लोग बेचते हैं, क्योंकि उन्हें इससे मतलब नहीं है, आप मरते हो तो मर जाओ। तो शराब को कैसे काम करती है और शराब का नशा कैसे आता है और क्यों लोग पीते हैं, क्या इसका कारण है, ये पंजाब के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति नशा करता है तो नशा होता क्या है, जैसे ही नशा करेगा, आप सब लोग चेक कर लें जो शराब पीने वाले लोग हैं या जो शराबियों को देखते हैं या नशा करते हैं, शराब पीते ही बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठ के देखा। ये मैं समझना कि बुद्ध ने कभी देखा नहीं है, क्योंकि बुद्ध एक बहुत बड़े खत्तीय के, खत्तीय का मतलब जो खेती के लोग थे उनके बेटे थे, और उन्होंने बचपन में सारे काम किए, उनकी शादी भी हुई है, तो वो देखते हैं कि शराब और नशीला पदार्थ लेते ही शरीर की जितनी बुरी ताकतें हैं, जितनी बुरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बढ़ जाती हैं। और शराब अगर नहीं पीते हैं तो जितनी बुरी ताकतें हैं वो सारी की सारी घट जाती हैं। ये शराब पीने वाला हर व्यक्ति जानता है कि शराब पीते ही कभी अच्छी बात नहीं सोचेगा, मन में आएगी ही नहीं, क्योंकि शराब या नशीला पदार्थ उसकी अच्छी बातों को बंद कर देता है और जो खराब बातें हैं उनको खोल देता है। इसलिए शराब पी के सबसे ज़्यादा आदमी क्राइम करता है। और शराब का एक भी फायदा नहीं है सिवाय इसके कि कहीं अगर ठंड पड़ रही हो तो लकड़ियों में डाल के आग जला के उससे हाथ सेक लो, या कहीं किसी ने कोई जख्म हो गया है तो वो कीड़े मारने काम आती है, उसे कीड़े मार लो। और शराब पीने वाला व्यक्ति कभी दूसरे शराबी की इज्जत नहीं करता। शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती, मोहल्ले में उसकी इज्जत नहीं होती, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, इसलिए समाज कभी इकट्ठा नहीं होता, इसलिए समाज गुलाम हो जाता है, घर गुलाम हो जाता है। और शराब जो व्यक्ति पीता है अगर वो ये सोचे कि मेरा बेटा क्यों पी रहा है तो वो बड़े गुमराह है, क्योंकि अगर आप अपने बेटे से कहोगे कि नमकीन लेके आ या बर्फ़ लेके आ
या वहां से बोतल लेके आ या गिलास लेके आ, तो आपके बेटे को शराब पीने का लाइसेंस फ्री में मिल गया। फिर आप उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको शराब पीने के सारे संसाधन बताए हैं। आप अगर ये कहो कि मेरा बेटा निकम्मा है और वो शराब पीता है, तो आप भी किसी के बेटे हो। आप अगर नशा करते हो या शराब पीते हो और ये उम्मीद करते हो कि आपकी बेटी ना पिए या आपका बेटा ना पिए, तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो नहीं सकता। क्योंकि जो काम पिता करता है उस काम का लाइसेंस उसके बेटे को अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए उन्होंने अपने घरों में शराब बंद कर दी और वो शराब जो वो पी के आते थे वो हमारे घरों में शुरू कर दी। और जो शराब पीता है उसको सिर्फ इतना ही कहना है, ओए चुप हो जा, तू वहां नाली में पड़ा हुआ था, तू तो बहुत बड़ा शराबी है। वो जुल्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम है। और शराब को छोड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं समस्या बता रहा हूं तो उसका समाधान भी बताऊंगा। आपके यहां से होशियारपुर ज्यादा दूर नहीं है, होशियारपुर में विपसना का जो काम चलता है, 10 दिन का सेंटर चलता है, अभी मैं वहां था और वहां पे कई लोग मुझे मिले जो शराब को छोड़ चुके हैं, नशा नहीं करते हैं। शुरू धीरे धीरे करके जाएगी क्योंकि एक साथ आती नहीं है, धीरे धीरे आती है तो धीरे धीरे करके जाएगी। वहां आप विपसना कर लेंगे तो आपकी गारंटेड शराब छूट जाएगी, क्योंकि शराब मन से आती है, शराब की शरीर को जरूरत नहीं है। कोई आदमी ये कहता हो कि बहुत ठंड पड़ रही है मैंने इसलिए शराब पी ली, वो बिल्कुल झूठ बोलता है। क्योंकि अगर उसको शरीर में गर्मी चाहिए तो वो आग के आगे ताप ले या गर्म पानी पी ले, उसके शरीर में गर्मी आ जाती है। खाली गर्म पानी पीने से आ जाएगी, शराब पीने से कभी गर्मी नहीं आती। वो लोग जो यूरोप के अंदर शराब पीते हैं वो शराब का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, शराब की बोतलों पे बड़े बड़े लेबल लगाते हैं। हमारे एक बीघे की खेती उनकी एक शराब की बोतल के बराबर है, यानी हम एक बीघे में जितना हम मेहनत करते हैं 6 महीने, उनकी शराब की एक बोतल का पैसा है, तो वो हमारी मेहनत को ऐसे करके ले जाते हैं। इसलिए धम्म में 5 बातें अगर आप नहीं मानते हो, ये 5 बातें हैं खाली, 5 बातें अगर आपने सीख ली तो आप सिख हो गए, 5 बातें अगर आपने जान ली तो आप सबसे बड़े सिख हो जाओगे। मगर ये 5ों बातें साथ चलती हैं, इनको बोलते हैं वारित नियम। अब वारित, आपने व्रत जो व्रत रखे होंगे ना, हमारी माताएं बहनें कोई व्रत रखती हैं? हाथ उठाओ, व्रत क्या किसी ने रखा? कोई व्रत, कोई व्रत तो रखता होगा, नहीं रखते बहुत अच्छी बात है। ये व्रत बोलते हैं इनको, ये 5ों नियम व्रत में आते हैं, भारत के ओरिजिनल व्रत यही हैं, भारत में इन्हीं को व्रत बोलते हैं। यानी 5ों चीजों से व्रत रहना, अलग रहना, दूर रहना, ना चोरी करनी है, ना व्यभिचार करना है, ना झूठ बोलना है, ना हत्या करनी है, और ना ही कोई शराब गांजा चरस अफीम गांजा पीना है, और 5ों ही बातें एक साथ करनी है। अगर 5ों बातें आप साथ साथ कर लेंगे, एक तो आप कभी जिंदगी में गरीब नहीं हो सकते, एक आप कभी गुलाम नहीं हो सकते, ये गारंटी है इस बात की। मगर 5ों साथ चलेंगी, ऐसा नहीं है हमने तो 4 बातें मानते हैं, जरा थोड़ा ग्लास में पैक बना लो कोई बात नहीं, बाकी 4 तो मानते हैं हम, इसलिए 5वें के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। 5ों साथ चलती हैं, ये नियम है बुद्ध का, यही धम्म है आप सबके लिए, यही बुद्ध है और यही धम्म है। इसके अलावा आपके लिए धम्म में ज्यादा जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप धम्म पे चलना चाहते हैं, 5 बातें छोड़िए, इस बुद्ध के आगे आपको नमन करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध जब मरने वाले थे तो बहुत सारे जो उनके भिक्खु थे वो रोते हुए वहां आए, उन्होंने कहा आप जा रहे हो, उन्होंने कहा जाओ और मेहनत करो, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सीखो, मैं सिद्धांतों में रहता हूं, मेरे को देख के आके या नमस्कार करके आपका कुछ नहीं होने वाला है, और उनको भगा दिया कि जाके प्रैक्टिस करो और अपनी जाके बुराइयां छुड़ाओ। इसलिए आपको धम्मा फेडरेशन की अगर बात माननी है या बुद्ध की बात माननी है, या अपने आप को सिख बनाना है, या अपने आप को शुद्ध बनाना है, या अपने आप को अमीर बनाना है, या अपने आप को गुलामी से दूर करना है, या आज़ाद होना है, या जीवन को अच्छा जीना है, या आपको रिश्तेदारों में समय बहुत सुखी रहना है, या आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे चमक रहे, आप चाहते हो कि आपकी आंखों के नीचे जो काला रंग आ रहा है वो ना आए, आप चाहते हो कि आपके परिवार में आपकी जो पत्नी है वो आपकी इज्जत करे, आप चाहते हो आपका बच्चा आपकी बात माने, आप चाहते हो कि समाज में आपका नाम हो, आपके घर का नाम हो, सिर्फ 5 बातें ही धम्म हैं। 5 बातों के अलावा कोई आदमी आपसे ये कहे कि बुद्ध ऐसा है, बुद्ध वैसा है, बुद्ध ये है, इसका पूजा ऐसा है, इसका पाठ ऐसा है, इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर वे चीज़ है, सब बेकार की बात है, सब बाद में बनी है। बुद्ध ने कुछ नहीं बनाया इनमें से, बुद्ध ने अपनी कोई पूजा नहीं कराई, कहीं कोई हाथ जोड़ के पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 बातें जो मान लेगा दुनिया का राजा हो जाएगा,
आप बहुत कम लोग हो पंजाब में जो इन बातों को मानते हो, एशिया के अंदर बहुत लोग भरे पड़े हैं जो इन पांच बातों को मानते हैं, और वो बड़े कमाल का देश है जैसे जापान है या कोरिया है या चीन है, बड़ी तरक्की कर रहे हैं, उनके हैं ये पांच बातें बिल्कुल खून के अंदर शामिल होती हैं, और इसलिए वो चूँकि धम्म यहाँ से गया मगर अडॉप्ट उन्होंने किया, सीखा उन्होंने। आप अगर विदेश में जाओगे कहीं और आप जाके कहोगे कहाँ से आए हो, और आप ये कहोगे हमारा फलाना डेरा है, कोई नहीं जानता। आप कहोगे हमारा फलाना संगठन है, कोई नहीं जानता। आप कहोगे हम फलाने सिख हैं, कोई नहीं जानता। आप कहोगे देखो हमारी पगड़ी है, कह रहे ऐसा मुसलमान अफगानी भी रखते हैं, हमें नहीं पता कि आप अफगानी हो या पाकिस्तानी हो या सिख हो या क्या हो। आप जाके कहोगे कि हम हिंदू हैं, कह रहे जी बहुत थोड़े से लोग हैं, हमें नहीं पता। मगर आप ये कहोगे कि मैं सिर्फ बुद्ध का नाम लोगे ना बुद्ध, वो कहेंगे अच्छा बुद्ध की धरती से आए हो, भारत से आए हो, तो आपका पहचान हो जाएगा। और अगर पांच सील आप मानते हो, पांच बातें मानते हो, तो ये पांच बातें आपको वहां बहुत ज्यादा इज्जत दिलाएंगे। यही धम्म है, इसी को सीखना है और इसी को अपनाना है। इसके लिए किसी गुरु की, किसी पंडा की, किसी मौलवी की, किसी जानकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके मन के अंदर होता है। जब आप अगली बार इन पांचों में से कोई बुराई करोगे तो एक बार आंखें बंद कर लेना, और आंखें बंद करके कहना क्या ये काम ठीक है। आपका मन बता देगा अंदर से कि ये काम ठीक है या नहीं है। अगर लगे कि ये काम ठीक है तो कर लेना, और लगे कि ये काम अगर ठीक नहीं है तो छोड़ देना। एक बार छोड़ने की कोशिश करना, दो बार छोड़ने की कोशिश करना, छोड़ने का सोचना, तो छोड़ते 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 वहीं पहुंच जाओगे जहां पुराने सिख थे, और वहीं एक तरह से राजा बन जाओगे जहां का आपने सोचा भी नहीं है। यही धम्म है। जितनी बार भी मैं धम्म बताऊंगा या कोई अगर बताएगा, ये पांच सील ही बताएगा, आपके लिए पांच सील हैं। बाकी पूरा पूरा जो भी कुछ है वो भिक्कों के लिए हैं या विपश्यना करेंगे। आपने बहुत ध्यान से सुना, कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो वो पूछ सकता है, कैसा भी प्रश्न हो धम्म के बारे में अब पूछ सकता है। अगर नहीं पूछना चाहता है तो वीडियो पर पूछ सकता है। जिनके पास स्मार्टफोन है वो अपने स्मार्टफोन निकाल लें, क्योंकि 206 वीडियो आ चुकी हैं। जिसका कैसा भी धम्म के बारे में प्रश्न है हम जवाब देते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है इसके लिए जो एक्सपर्ट है। अपना मोबाइल निकाल लें, मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब पर कहाँ पर है, लिखें टीम TEAM, अपना मोबाइल निकाल लें और लिखें TEAM टीम, फिर लिखें 20 TWENTY 20, और फिर लिखें 2 टीम 22, पूरा वर्ड्स में है, कहीं डिजिट में नहीं है, नंबर में नहीं है। टीम 22 को सब्सक्राइब कर लें। टीम 22 का मतलब है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, इसलिए इसका नाम टीम 22 रखा गया है। और इसके अंदर पांच सील भी हैं जो बाबा साहब ने आपको, जो मैंने बताए हैं, जो आपको मानने हैं। इसमें आपका कैसा भी धम्म का प्रश्न है, दुनिया का कोई भी प्रश्न है, आपको कहीं अगर आप बहस करते हैं, बातचीत करते हैं धम्म के बारे में, कोई बात समझ में नहीं आती, आप हमें प्रश्न छोड़ दें, हम उसका पूरा वीडियो बना के आपको देंगे। आपने बहुत ध्यान से सुना, धम्म को ध्यान से सुना, अब माताएं बहनें बात कर सकती हैं खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मान जो सुधीर राज सिंह जी, और इन्होंने जो हमें बातें बताई हैं धम्म के बीच में से, तो वो बातों पे सिर्फ सुनने का नहीं, उन पे अमल करने की हमें ज़रूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो हम मान जाएंगे कि हम बिल्कुल ही सच्चे मन से बुद्ध धम्म को ग्रहण कर लिया है। और हमारे बीच दिल्ली सरकार में MLA रह चुके मानजोग श्री